आलोन जलाशय की आरबीसी नहर पहली बारिश में ही जर्जर हो गई। इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब पहली बारिश में नहर के ये हाल है तो आगे की स्थिति क्या होगी। ग्रामीणों ने कलेक्टर को शिकायत की कि ठेकेदार को कई बार आगाह किया गया कि नहर का काम अच्छे से करे, लेकिन जवाब मिलता था कि हम विभागीय अधिकारियों को मैनेज करते हैं, आपको जहां शिकायत करना है करो, हमारा कुछ नहीं होने वाला। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि नहर निर्माण के समय विभाग का कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं रहता था, सिर्फ लेबर के भरोसे पूरा कार्य किया गया है, जिसकी शिकायत पूर्व में भी वरिष्ठ अधिकारियों को की गई, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ और ठेकेदार ने मन मर्जी से अपना काम किया, जिसका खामियाजा क्षेत्र के लोगों को भोगना पड़ रहा है। जब नहर के संबंध में SDO विनोद उइके एवं सब इंजीनियर अमरोदिया से बात की गई तो उनका कहना है कि हम कार्यस्थल पर रहते थे। अब सवाल इस बात का है कि यदि विभागीय कर्मचारी और अधिकारी कार्यस्थल पर थे तो उनके सामने घटिया निर्माण कैसे हुआ, और यदि मौके पर वह अनुपस्थित रहे तो ये बड़ी लापरवाही है कि अपने काम के प्रति ये लोग गैर जिम्मेदाराना थे और घटिया निर्माण कार्य करने के लिए ठेकेदारों की मौन स्वीकृति थी। अब किसानों और ग्रामीण को जिला कलेक्टर से आशा है कि शासन की जो मंशा थी कि किसानों को नहर का लाभ मिले, उसे पूरा करने में मदद करेंगे तथा लापरवाही करने वाले ठेकेदार और अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे। समस्या ये है कि जे झालौन बांध की जो नहर बनाई गई है PRCC, उसमें गुणवत्ताहीन नहर बनाई गई है, जो कि अभी बरसात में ही टूट चुकी है। पूरी की पूरी नहर टूट चुकी है, ना कि यहाँ पर कोई भी अधिकारी देखने को आया गया, ना ही किसी प्रकार की सुध ली गई। ठेकेदारों के द्वारा मनमानी तरीके से इस नहर का निर्माण किया गया। कई बार हमने अधिकारियों को बोला गया कि सही नहर का निर्माण किया जाए, परंतु कोई ध्यान नहीं दिया गया। साचपानी जनपद उपाध्यक्ष धनोरा, शिक्षा समिति का स्थायी अध्यक्ष। आम पब्लिक के शिकायत में झालौन बांध की जो कैनाल बन रही है, निर्माण हो रहा है, उसमें मैं एक दो बार गया और मैंने शायद कलेक्टर महोदय को भी अपने पत्र के माध्यम से अवगत कराया, लेटर पैड में अवगत कराया। साथ ही जनता की इतनी दिक्कत है कि 2 किलोमीटर आने जाने का कोई साधन नहीं है, परंतु आज की स्थिति में कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। कृषक इतना परेशान है कि वो पिपरिया घूम के आके अपनी खेती कर रहे हैं, जो 3 किलोमीटर आने जाने में उनको बिजी हो रहे हैं। उनकी खेती कुरन भट्टा हार से लगा हुआ है और कैनाल की दुर्दशा इतनी हो चुकी है कि अनियमितताएं का कुछ गिनती अनगिनत है, जो लगभग अभी 6 माह पूर्व बनी, परंतु मैंने जाके देखा कैनाल में जगह जगह पर चपरा के चपरा इतने जैसे सीमेंट की जो धाड़ी है वो उधड़ के नाले में वहीं कैनाल में गिर चुकी है। जो शासन के मनसानुसार वहाँ के कृषकों को पानी देना चाह रही थी, परंतु पानी मेरे अंदाज ऐसा है कि मोहगांव की बाउंड्री से आगे नहीं जा पाएगी। जो ब्रज बना है उसमें भी इतनी झिर्रियाँ हैं सीपेज की, जो पानी आगे नहीं बढ़ा सकता। इसलिए अधिकारी महोदय से मेरा निवेदन कि शीघ्र जांच कर 7 दिनों में मुझे अवगत कराएं, नहीं तो मैं अपने संगठन के माध्यम से अनशन में भूख हड़ताल पर बैठना पड़े, पर मुझे पब्लिक के हित में जो भी कुछ भी करना पड़े मैं पब्लिक के साथ में हूँ।